डाळ्या कारण तिने पहिला हात वरती केला. तू बोल तू बिंदास बोल, घाबरू नको सगळे तुझे मित्र नाही बोलत. बरं मी माहीत आपण एकदा पोयमला आता सुरुवात करूया. बिंदा असं घाबरला कसं झाली पोयम एक नंबर. मला एकदा हे कर बुम कर असं बुम. दुसरा कोण येणार आहे पोयम बोलायला? कोण येत आहे का? तू येते बाबू तू येते. या या पटकन या पटकन. तुझं नाव काय? वेदा. चला पोयम बोलू. आपण एकदा फ्रंट वाला बायसेप फ्लेक्स करायला लावूया. ओके
मी अर्जुन दादांना रिक्वेस्ट करतो त्यांनी दिलावर सरांना सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करायचा. एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो, टाळ्या खूप कमी येतात तुमच्या. आणि लहान मुलांसाठी ऍक्च्युली आज चिल्ड्रन डे आहे, त्याच्यामुळं आज हा दिवस तुमचा आहे. एन्जॉय करा आणि आयुष्यामध्ये असंच पुढे जा. आपल्या आई वडिलांचं नाव खूप रोशन करा. धन्यवाद. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्यासाठी स्पेशल चिकन लेग पीस. जय चिकन लेग पीस. चिकन लेग पीस मसाला राईस. माला मराठी नहीं आता है, मैं हिंदी में बात करता हूँ. तो पहले तो आप ही चिल्ड्रेन डे, और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके. मैं तो खुद बच्चों का फैन हूँ और मैं बच्चों से भी बात नहीं करता. थैंक यू सो मच. थैंक यू आप लोग ने इनवाइट किया. शुक्रिया बहुत बहुत. एक ऋतिक रोशन का डायलॉग है, वो दिलावर जी सुनाएंगे आपको. मैं बच्चों से बात नहीं करता हूँ. क्या कहना चाहोगे बीबीसी दोस्ती का? ये तीसरा साल है इस आज के प्रोग्राम के बारे में. तो हम एक्चुअली ये प्रोग्राम हर साल करते हैं. सिर्फ पिछले साल हम कर नहीं पाए क्योंकि कोरोना महामारी का पूरा प्रॉब्लम अपने पूरे वर्ल्ड में आया था. इसके लिए इस साल जब हम लोग जब भी करते हैं, हम लोग बिजली चाल में करते हैं, माया नगर में करते हैं. पर ये टाइम क्योंकि जो पुलिस वाले और जो पुलिस अफसर ने अपने खुद के जीवन को दाव पे लगाया, उनके बच्चों के जीवन को दाव पे लगाया, उनके माता पिता के जीवन को दाव पे लगाया, और हर रोज़ कोरोना महामारी के टाइम पे वो लोग हमारी सबकी सुरक्षा कर रहे थे, हम सबके लिए वो काम कर रहे थे. तो मैंने सोचा और हमारी पूरी टीम ने सोचा कि इस साल उनके परिवार के लिए, पुलिस के जो बच्चों के लिए थोड़ी बात जो रिलीफ हम दे सकते हैं ये प्रोग्राम के माध्यम से, हम उनको वो रिलीफ देना चाहते थे. और ये उद्देश्य था, इसके लिए ये साल हमने डिफरेंट किया और हमने बस्ती बारबेक्यू को पुलिस कैंप पे इस साल ले किया. ये अभी बस्ती जो है और इंसानियत जो NGO है, वो किस तरह के काम करते हैं और स्पेशलाइज किस में करते हैं, किस तरह के काम में स्पेशलाइज? तो हमारी NGO इंसानियत एसोसिएशन है. 2017 से हम वर्ली में स्पेशली काम करते हैं. हम वर्ली में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट में स्पेशलाइज करके काम करते हैं. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में हम जो बच्चे उनको कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और छोटे छोटे टूर्नामेंट भर के उनकी मदद करते हैं. एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनके ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप्स देते हैं या स्कूल फीस की स्कॉलरशिप देते हैं. और वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हम महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं. पूरे साल भर में वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कैंडल मेकिंग, बैग मेकिंग, ऐसे अलग अलग प्रकल्प उनको लाते हैं. और कोरोना से पहले हर 3 महीने में हम उनके लिए बड़े एग्जीबिशन लगाते थे, जिसमें हम सब महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम स्टॉल्स देते थे. हमारा मेजर स्पेशलाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और एजुकेशन. अच्छा अर्जुन जी, लॉकडाउन के दौरान भी कुछ आप लोगों ने किया था आपके NGO ने? यस, हमारे NGO ने लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत लोगों की मदद की थी. खाने के किट्स हमने बांटे, हमने ग्लव्स, सैनिटाइजर, ऐसे सब कोरोना से लड़ने के लिए जो भी वेपन्स की ज़रूरत थी वो हमने प्रोवाइड की, सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया. हमारे यहाँ पे सब कोविड वॉरियर्स हैं जो कोरोना के टाइम पे भी गली गली में जाके डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते थे, मास्क बांटते थे, सैनिटाइजर्स बांटते थे. तो ऐसे हमारी पूरी टीम ने कोरोना के काल में बहुत अपने खुद के जीवन को दांव पे लगा के उन्होंने लोगों की सेवा की. वर्ली में ज़्यादातर जो है वो क्या, यहाँ पर किस तरह के
समस्या है, लेकिन आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हो, जिस पर ऐसा लग रहा है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, पर उसमें भी किस तरह की यहाँ पर खास करके वर्ली में ऐसी समस्या आपने पाई हुई, आपने देखी हुई, जिससे आप काम करना चाह रहे हो? वर्ली में ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप समस्या ऐसे देखेंगे तो उनकी लाइफ की समस्या, जहाँ पे उनके घरों की समस्या, उनके वर्ली जैसा जो एरिया है इतने सारे स्लम्स भी हैं, और अभी पिछले दो तीन महीने में PWD के फंड से अभी यहाँ के सब बिल्डिंग की रिपेयर हो रही थी, इससे पहले वो रिपेयर नहीं हो रही थी, तो वो एक बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा हमने भी उठाया था कि पुलिस वालों की बिल्डिंग्स का रिपेयर होना चाहिए था। फिर डेवलपमेंट का बहुत इश्यूज है बॉडी में, बहुत स्लम्स है, स्लम्स में लाइफ आपको पता रहेगा, मैं खुद स्लम्स में जाके देखा हूँ कि कैसे वहाँ पे चूहे पौड़े से दौड़ रहे हैं, बारिश के टाइम पे फ्लडिंग हो रहा है, और वहाँ पे परिस्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है। तो उनके जो मेन जो आप देख सकते हैं कि बिजली चार का डेवलपमेंट, सिद्धार्थ नगर का डेवलपमेंट हो, माया नगर का डेवलपमेंट हो, सुबेदार नगर का डेवलपमेंट, तो ऐसे जगह का जो डेवलपमेंट है वो वर्ली में सबसे बड़ी इशू है। फिर वर्ली में आप देखते हैं कि बहुत पुलिस है, तो पुलिस भर्ती और उनको टीच करने के लिए भी, उनको सिखाने के लिए, उनकी ट्यूशन्स के लिए, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वर्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, अभी जांबोरी मैदान का निदान हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो हो रही है, ऐसा बड़ा काम हो रहा है वर्ली में, जहाँ पे लोगों को एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। तो उसमें और हमारे इसमें आप स्कूल्स भी देखेंगे तो बहुत स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बराबर नहीं है वहाँ पे, और लाइक गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और BMC को विनती करता हूँ कि हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो युवा लोग हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ज़्यादा खर्च करें और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, तो फिर कल की पीढ़ी अपने भारत का नाम और रोशन कर सकते। आज यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज भी आए थे, यू नो, सपोर्ट के लिए आपने उनको बुलाया था, उनके बारे में तो थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, और उनका सपोर्ट किस तरह से रहा, कुछ टेक्स थे, फिर हमारे कोई सोशल इन्फ्लुएंसर थे, उनके बारे में? हमारे एक्चुअली जो इवेंट पूरा कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड इवेंट, तो जो भी अच्छे लोग जो है फूड एंड बेवरेज क्षेत्र में, वो हमने उनको अप्रोच किया, वो क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था कि उन्होंने बोला, तुरंत उन्होंने हाँ बोला कि हम 250 बच्चों के लिए खाना, स्नैक्स, ड्रिंक, बरीटोज, क्रोसॉन्स, कपकेक्स, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, बर्गर्स सब उनको प्रोवाइड करना था, उनके मन से करना था, और उन्होंने इतना, मैंने जो महंगाई है वो महंगाई के ये टाइम में कोरोना के बाद जो लोगों की इतनी लोगों को फाइनेंशियली इतनी तकलीफ पहुँची, तभी भी जो बिजनेसेस है वो तभी भी आए, बोले नहीं हमको करना है, पुलिस को, पुलिस ने बच्चों के लिए करना है, छोटे बच्चों के लिए करना है, और उन्होंने उनका बहुत साथ था, बहुत सपोर्ट था। जो इन्फ्लुएंसर्स आए, टिकटॉकर्स आए, उन्होंने भी बोला कि नहीं ये इवेंट बहुत अच्छा है, उनको इवेंट को भी प्रमोट करना था, हमको भी बहुत अच्छा लगा कि वो आए और हमको सपोर्ट किया, हमारा हम सबका मनोबल बढ़ा है, और ऐसे ही हमको और इवेंट्स करने के हैं, हर साल करेंगे और इससे भी बेटर अगले साल करने का पूरा प्लान। Thank you so much. Thank you.